हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। हम देख रहे हैं पेडागोजी का पार्ट टू। मैंने पार्ट वन भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यह जो मैं वीडियो बनाया हूँ, ये KVS, CTET, UPTET सभी तरह के TET एग्ज़ाम और टीचर संबंधी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही IMP है, जहाँ पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन का आना या दो क्वेश्चन का आना, चार पांच क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ जाएंगे। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, पूरा देखिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं, चलिए। ये मैंने टेस्ट दिया था जिसमें मेरा 99 सही हुआ था, 27 रैंक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमने 15 क्वेश्चन देखे थे, अब आगे के 15 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे केंद्रीय स्थान पर हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा का जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे केंद्र में होंगे, बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा की प्रक्रिया की जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक रोचक और सार्थक बनाती है और उन्हें शिक्षण दीक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय बनाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के हाथों में सीखने की जिम्मेदारी डालने के द्वारा सीखने की स्वायत्तता और आज़ादी को विकसित करना है, जो उन्हें किसी विशिष्ट विषय और योजना को सीखने में आवश्यक विशिष्ट प्रदर्शन को मापने हेतु कौशल और आधार प्रदान करता है। तो ये बच्चों पर केंद्रित होती है, बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हिसाब से शिक्षा की प्रक्रिया की जाती है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा होता है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ने 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित बुद्धिमत्ता का एक अलग सिद्धांत पेश किया। तो ये बहुत ही IMP है, ये जो होते हैं फिलोसफर उनसे संबंधित प्रश्न है, जो आएंगे ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन तो फिलोसफर से संबंधित आते ही हैं, तो ये जितने भी फिलोसफर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सब हमको याद रखना है। उनमें से एक ये है, खालिस्तान ने 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित बुद्धिमत्ता का एक अलग सिद्धांत पेश किया है। इसका आंसर देख लेते हैं। लुई एल थर्स्टन ने 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित बुद्धिमत्ता का एक अलग सिद्धांत पेश किया है। डिटेल देख लेते हैं। लुई एल थर्स्टन ने 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित बुद्धिमत्ता का एक अलग सिद्धांत पेश किया। उन्हें बताया कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं तर्क शक्ति, संख्यात्मक क्षमता, स्थानिक दृश्यता, शब्द प्रवाह, मौखिक समक्ष समझ, सतत गति, सहयोगी स्मृति, ये 7 उन्होंने बताया लुई एल थर्स्टन ने। इनमें से एक है तर्क शक्ति, संख्यात्मक क्षमता, स्थानिक दृश्यता, शब्द प्रवाह, मौखिक समझ, सतत गति, सहयोगी स्मृति। क्वेश्चन को अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है, इनमें से किसी 4 को दे दिया रहेगा या 4 ऑप्शन में से 3 को दिया रहेगा और एक अलग होगा, तो उसमें से कौन सा इनकी अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि तर्क शक्ति है, संख्यात्मक क्षमता है, स्थानिक दृश्यता है, शब्द प्रवाह है, मौखिक समझ है, सतत गति और सहयोगी स्मृति। किसने दिया था? लुई एल थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड एक और फिलोसफर का प्रश्न है जो बहुत ही IMP है, ये सब याद रखना बहुत ही जरूरी है। हार्वर्ड गार्डनर के एकाधिक बुद्धिमत्ता के विचारों के मुताबिक नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बोला था कि उनसे संबंधित जो उनकी थ्योरी है उनसे संबंधित कुछ पॉइंट दे दिए रहेंगे और एक अलग पॉइंट दे दिया रहेगा, तो कौन सा नहीं है ये बताना रहता है। ऐसा ही क्वेश्चन ये हार्वर्ड गार्डनर का है,
हार्वर्ड गार्डनर के एकाधिक बुद्धिमत्ता के विचारों के मुताबिक, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा दिया था अपना थ्योरी? एकाधिक बुद्धिमत्ता के विचारों के मुताबिक नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें तीन गलत दिया है और एक सही है, तो सही जो है उसको चुनना है। तो इसका हम देख लेते हैं, तो इसमें मैंने ये सभी को क्लिक किया था जो गलत है। इसका सही आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। हार्वर्ड गार्डनर के अधिक बुद्धिमत्ता विचारों के मुताबिक विकल्प ए सही है। इस सिद्धांत के अनुसार संख्यात्मक अभिव्यक्तियों के आधार पर मानव बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को पूरी तरह से चित्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने क्षमताओं के रूप में 8 अलग अलग कौशल पेश किए हैं। इन्होंने भी 8 अलग अलग कौशल पेश किए थे, और इससे पहले वाले लुई एल थर्स्टन ने भी 7 इन्होंने 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित बुद्धिमत्ता का एक सिद्धांत दिया था लुई एल थर्स्टन ने, और हार्वर्ड ने 8 अलग अलग कौशल पेश किए हैं, 8 अलग अलग कौशल पेश किए हैं। तो ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो फिलोसफर से संबंधित जितने भी हैं, तो इन्होंने 8 अलग अलग दिया था, और उसमें से एक था प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। खाली स्थान या विश्वास या रवैया है कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च शक्ति होती है, तो लिंग पक्षपात। लिंग पक्षपात विश्वास या रवैया है कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्ति होती है, ऐसा तब होता है जब लोग अपने लिंग के आधार पर व्यवहार या क्षमताओं के संबंध में धारणा बना लेते हैं। यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने के रूप में विशेष रूप से दस्तावेजीकरण है। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि जैसे कि क्रिकेट जैसा एक खेल है, तो कई जगह देखा जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुम क्या खेलोगी, गिर जाओगी, रोओगी। तो इस तरह की जो तुलना होती है, तो लिंग पक्षपात से संबंधित तुलना है। तो ये वही कहा जा रहा है कि यह विश्वास या रवैया कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च शक्ति है। लड़कों में अधिक शक्ति है, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, गिरेंगे तो रोएंगे नहीं, लड़कियाँ गिर जाएंगी रोएंगी। इस तरह के रवैया विश्वास लिंग पक्षपात पर आधारित है। स्कूल में लड़कियों को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं है, जबकि लड़कों को ऐसा करने की इजाज़त है, यह दर्शाता है लिंग पक्षपात। बिल्कुल, मैंने जो उदाहरण दिया ये वही है। यह लिंग पक्षपात को दिखाता है, एक दूसरे लिंग की तुलना में एक लिंग के प्रति एक प्राथमिकता या पक्षपात है। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए खेल आम है, और लिंग पक्षपात का यह अंतर समाज द्वारा बनाया गया है। ये प्राकृतिक नहीं है, समाज द्वारा बनाया गया है। लड़कियाँ भी क्रिकेट खेल सकती हैं और खेलती हैं। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में एक शिक्षार्थी के विकास का आकलन करना है, जैसे ये सभी शैक्षिक और सहशैक्षिक दृष्टिकोणों और योग्यता, उपकरण और तकनीकों की विविधता। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में एक शिक्षार्थी के विकास का आकलन करना है, तो उसमें शैक्षिक सहशैक्षिक आएगा, दृष्टिकोण और योग्यता आएगा, उपकरण और तकनीकों की विविधता भी आएगी। इन सभी पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन लक्ष्य सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थी के विकास का आकलन करने और कुल शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करने और उसको पूरे अकादमिक सत्र के दौरान फैलाने का लक्ष्य है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वंचित बच्चों की श्रेणियों से बाहर रखा गया है? तो बाहर रखा गया है उसको हम देख लेते हैं। मैंने मानसिक रूप से वंचित को क्लिक किया था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है आर्थिक रूप से वंचित। सामाजिक रूप से वंचित को हम कह सकते हैं वंचित बच्चा, शारीरिक रूप से वंचित बच्चे को वंचित बच्चा कहेंगे, मानसिक रूप से वंचित बच्चे को बच्चा वंचित बच्चा कहेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से वंचित बच्चे को हम वंचित बच्चा नहीं कहेंगे। इस ऑप्शन में आर्थिक रूप से वंचित सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प वंचित बच्चों की श्रेणी में नहीं आता? सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, ये वंचित बच्चे की श्रेणी में आता है, लेकिन आर्थिक नहीं आता। आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को वंचित बच्चों की श्रेणी में बाहर रखा गया है। आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा नाम मात्र शुल्क या कभी कभी सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सा भाषा विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा भाषण या भाषा विकार नहीं है? लुकनत, हकलाना, बड़बड़ाना, उच्चारण दोष। इसमें से बड़बड़ाना उच्चारण दोष नहीं है। बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो वो बड़बड़ाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। ये एक संकेत है बच्चों के सीखने का। लेकिन हकलाना, बोलते बोलते अटकना, लुकना, उच्चारण दोष, ये सब भाषा के विकार हैं। बड़बड़ाना एक भाषा विकार नहीं है, जबकि अन्य सभी भाषा विकार हैं। बच्चे बड़बड़ाना शुरू करते हैं तब वे बोलना सीखना शुरू करते हैं। शुरुआती चरण में यह स्पष्ट होता है।
अस्पष्ट होता है और इसलिए यह एक भाषा विकार नहीं है। छात्र अपनी उपलब्धियों के आंतरिक गौरव को खोजने में सक्षम होंगे यदि वे प्रेरित होंगे। प्रेरित मतलब मोटिवेटेड, रोकथाम से नहीं, डरा हुआ से नहीं, अप्रेरित से नहीं। ये बहुत ही सरल था। प्रेरित होंगे तब वो अपनी उपलब्धियों के आंतरिक गौरव को खोजने में सक्षम होंगे। यदि छात्र प्रेरित होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं तो छात्र अपनी उपलब्धियों के आंतरिक गौरव को खोजने में सक्षम होते हैं। प्रेरणा के माध्यम से बच्चों को यह पूछना चाहिए कि क्या गलत और सही है और उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्य योजना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खाईस्तानी सिद्धांत ने कहा कि ज्ञान को निकटता और सादगी के सिद्धांतों के अनुसार तत्वों में समूहित किया गया है। ये फिर से एक फिलोसफर की थ्योरी आ गई जो बहुत ही आईएमपी है। सभी फिलोसफर की थ्योरी हमको याद रखना है, जो इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर का सीटेट में आ रहा है तो उसमें से 5-6 तो 5-6-7 तो फिलोसफर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सीटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसएसबी हो, कोई भी हो, फिलोसफर से संबंधित क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर। मैंने पियागेट या पियाजे को क्लिक किया था जो गलत है। इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट सिद्धांत ने कहा कि ज्ञान को निकटता और सादगी के सिद्धांतों के अनुसार तत्वों में समूहित किया गया है। ये हमको याद रखना है। गेस्टाल्ट सिद्धांत ने कहा कि ज्ञान को निकटता और सादगी के सिद्धांतों के अनुसार तत्वों में समूहित किया गया है। इन सिद्धांतों को संगठन के कानून भी कहा जाता है। इसका उपयोग धारणा और समस्या निवारण को समझाने के संदर्भ में किया जाता है। गेस्टाल्ट वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने जो थ्योरी दिया उसको गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। ब्रूनर, एक और फिलोसफर का थ्योरी संबंधित प्रश्न आ गया। ब्रूनर ने विकास के 3 चरणों, तो ब्रूनर के विकास के कितने चरण थे? इनके चरणों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने चरण थे, कौन कौन से चरण थे। 4 चरण दे देंगे, उनमें से एक इनका चरण नहीं होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। या एक चरण रहेगा, 3 अलग चरण रहेंगे, तो कौन सा उनका चरणों में से एक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ब्रूनर ने विकास के 3 चरणों की पहचान की। दिए गए विकल्पों में से किसने 3 चरणों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका हम देख लेते हैं। क्षति चरण, सक्रिय चरण है, प्रतीकात्मक चरण है, आइकानिक चरण है या प्रतिष्ठित चरण है, लेकिन क्षति चरण नहीं है। तो हमको ये याद रखना है कि ब्रूनर के जो 3 चरण थे उनमें से एक था सक्रिय चरण, एक प्रतीकात्मक चरण और एक आइकानिक चरण। खाली स्थान को ध्यान, स्मृति, समस्या निवारण और योजना जैसी प्रक्रिया के संयोजन के रूप में पहचाना जाता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने आत्मसात्करण लगाया था जो गलत है। अनुभूति सही आंसर है। अनुभूति को ध्यान, स्मृति, समस्या निवारण और योजना जैसे प्रक्रिया के संयोजन के रूप में पहचाना जाता है। अनुभूति सही आंसर है। अनुभूति को ध्यान, स्मृति, समस्या निवारण और योजना जैसी प्रक्रियाओं के संयोजन के रूप में पहचाना जाता है। इसमें विभिन्न परिष्कृत और अद्वितीय कार्य शामिल होते हैं। यह मस्तिष्क से संबंधित है और भावनाओं पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रेरणा खाली स्थान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो प्रेरणा मतलब कि प्रेरित होना। बाह्य पुरस्कार, बच्चा कुछ अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक संतुष्टि, बच्चे को अंतर से अपने आप संतुष्टि होती है जब उसको शाबाशी दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। संतुष्टि और पुरस्कार, तो ये दोनों चीज़ एक साथ आ गया। तो ये कुल मिला के इसका ऑप्शन ये सभी ये राइट आंसर होगा। छात्र की प्राकृतिक रुचि आंतरिक संतुष्टि देती है। शिक्षक द्वारा प्रेरणा आंतरिक है और कार्य में सफलता संतुष्टि और पुरस्कार है, इसलिए डी सही विकल्प है। सेकेंड लास्ट प्रश्न, खालिस्तान प्रगति प्रतिगमन के सिद्धांतों का अनुसरण करता है कि माता पिता से बच्चों के पास जाने पर लक्षण औसत की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता प्रतिगमन के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। माता पिता के गुण बच्चों में गमन करते हैं, इसी को आनुवांशिकता प्रतिगमन कहते हैं। माता पिता से बच्चों के पास जाने पर यह लक्षण औसत की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे की आनुवंशिकता पूरी तरह से अपने तत्काल माता पिता द्वारा नहीं बल्कि अपने सभी पूर्वजों और पितरों द्वारा निर्धारित की जाती है। उनके जो माता पिता के गुण ही नहीं बल्कि उनके दादा परदादा, दादी परदादी के गुण भी उनमें आ सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि माता पिता के गुण ना के उनके एक ऊपर जनरेशन का गुण पोते में आ जाता है। इस तरह के केस बहुत देखे गए हैं कि पिता का गुण तो रहेगा ही, साथ में कुछ स्पेशल कोई गुण है तो वो, जैसे कि किसी को अस्थमा है दादा को लेकिन पिता को नहीं है, लेकिन बहुत से चांस ऐसे रहते हैं कि पोते को अस्थमा हो। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। खालिस्तान का अधिकार एक तंत्री रणनीति का नहीं बल्कि एक नेता, मित्र और एक गाइड है। तो इसका सही आंसर है अध्यापक। अध्यापक का अधिकार एक तंत्री रणनीति का नहीं बल्कि एक नेता, मित्र और एक गाइड का है।
मतलब एक मित्र का है और एक गाइड का, एक मार्गदर्शक का है, ना कि एक तानाशाह का। तो शिक्षक छात्रों को सीखने, सोचने, महसूस करने और खुद के लिए काम करने तो प्रोत्साहित करता है। एक तंत्री रणनीति शिक्षक केंद्रित है। यह शिक्षक छात्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। एक तंत्री का मतलब हो गया तानाशाही। जैसे शिक्षक ही आदेश देंगे, शिक्षक ही बोलेंगे, बच्चे सिर्फ सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक मित्र की तरह होते हैं, नेता मित्र की तरह होते हैं, गाइड की तरह होते हैं, मार्गदर्शक की तरह होते हैं, जो एक मित्र की तरह बच्चों को समझाते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में और भी पेडागोजी के क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाल कलर का जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। और आप जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि अगला जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो जल्दी से जल्दी देख लें, आपको समय मिलते ही। तो थैंक यू वेरी मच।